सो गाइज ये कैसा लग रहा है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिजा गोयल ब्लॉग्स। और मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज मेरे कॉलेज में फीस्ट होने वाला है, क्योंकि एएमएम डिपार्टमेंट जो होता है वो सारा का सारा वर्कशॉप लगाता है आज के दिन। मतलब साल में दो दिन ये लगता ही लगता है, तो 16 और 17, तो आज है 16 और कल है 17। देन वहाँ हल्का फुल्का, क्योंकि माधवी आज बिजी है तो फिर शूट करने में नहीं बनेगा, तो जो भी मेरे से बन सकता है रील्स वगैरह बना लेंगे। एंड उसके बाद क्योंकि आज मेरा क्लास है, क्लास से कितने बजे छूटेंगे और वो 4 बजे ख़त्म भी हो जाएगा, तो क्लास में 3 बजे तक चलेगा। उस टाइम पे पता नहीं उस टाइप का रहेगा कि नहीं रहेगा। सो वहाँ पे भी जाना है शूट करने, और गांधी मैदान में कृषि मेला लगा है तो वहाँ भी शूट करने जाना है। तो देखते हैं कि आज क्या क्या करते हैं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए कि आज का दिन मेरा कैसा जाता है और कहाँ कहाँ हम घूमते और मेरे कॉलेज का फीस्ट कैसा रहता है। तो प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि लड़कियाँ बहुत इंजॉय करती हैं, क्योंकि पिछले साल हम बीमार थे तो हम गए नहीं थे, बट इस बार हम मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं और कॉलेज तो जाना ही है, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है तो मिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। सो अभी निकलते हैं फिलहाल कॉलेज के, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं, 11 बजे ही जाना था पर अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर कॉलेज के बाद गांधी मैदान निकलेंगे वहाँ का शूट करने के लिए, फिर वहाँ से आएंगे। तो सो गाइज बने रहिए फिर मेरे ब्लॉग में, कंटिन्यू रखते हैं और चलते हैं फिर। क्या आपने लाल और पिंक ऐसी ऐसी मूली देखी है? कलरफुल मूली है गाइज, ये गाजर मत समझना, ये है मूली। गाइज मुझे तो यहाँ पे घूमने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये जो है वो मशरूम की पेस्ट्री। गाइज तो हम लोगों का शूट हो गया है गांधी मैदान में कृषि महोत्सव, हम लोग खा भी लिए क्योंकि बोलते बोलते इतना भूख, 2 घंटा हो गया यहाँ पे शूट करते करते, बहुत भूख लग गया था। तो जो चना का मिलता है ना, चना चूर बोलते है ना, वो जो देता है प्याज नींबू मिला के, वो खरीदे खाए। खाने के बाद अब नींद आ रहा है, बहुत थक गया, क्योंकि अब धूप हो गया है बहुत कड़ा, अब गर्मी लगता है बहुत ज़्यादा, हाथ हाथ में लगता है ना, बहुत जलन होता है थोड़ा बहुत। और बाकी है फ़ोटो वगैरह वो ले लेते हैं, फिर चलते हैं घर। घर में दाल और भुजिया बना के आए, चावल बनाएंगे खाएंगे और फिर क्लास जाएंगे। सो गाइज चलो चलते हैं, खा लिए, सॉरी वीडियो नहीं बनाए खाने का। गाइज ये नया पानी निकला है, सलील, SALIL, सलील, सुधा, देखो कभी मिले तो जरूर पीना। फीस्ट में गए, पहले तो कॉलेज गए, कॉलेज में क्लास की, क्लास करने के बाद फिर फीस्ट में डांस वगैरह हुआ, घूमना फिरना हुआ, उसके बाद फिर माधवी को बुलाएं गांधी मैदान में माधवी आई, फिर वहाँ पे शूट किया, और वहाँ पे शूट करते करते 3-3.5 घंटा लग गए, अभी 4 बज रहे हैं, मतलब 4-4.5 बज रहे हैं, इनफैक्ट 5:30 कितना टाइम है, और शूट करते करते 4:30 से ऊपर हो गया, और अभी 5 बजने वाला, घर आए हैं, खाना खाएं, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे, फिर एडिट करेंगे, अभी चावल चढ़ाए हैं। बहुत बहुत थक जाते हैं गाइस, इतना हालत ख़राब हो जाता है कि बता, शक्ल से पता चल रहा हुआ कि सूख गया, ऊपर से धूप आ जाता है, ऊपर से गर्मी आ गया है, फेस पे पूरा धूप मारता है, आँख वाँक लहरने लगता है, एकदम हालत ख़राब हो जाता है। एंड फिर शूट वगैरह की गांधी मैदान में, क्योंकि रील्स बनाना, फिर वीडियो बनाना, साथ में ब्लॉगिंग भी करना बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर रूम आए हैं, सो खाना वाना खा के थोड़ा सोते हैं, उसके बाद फिर एडिट करेंगे, मे भी शाम तक कोशिश करेंगे चला जाए, बट देखते हैं। वो कहते हैं ना, जब आप बहुत सारी चीज़ खरीदते हो तो उसमें से आपका कुछ जो होता है वो यूनिवर्सल हो जाता है, जो सब पे चलने वाला होता है, ये जस्ट ना कुछ वैसा ही है। इसको हम ना, ये हमको इतना ज़्यादा पसंद है कि बता नहीं सकते, ये बस अचानक रैंडम हमको पसंद आ गया और हम ले लिए, कुछ कोई मतलब रहता ना, कोई प्लान नहीं होता कि हमको वो लेना है, बट ये गाइस ओह, अब तक जितना भी है मेरे पास कम से कम 10 से 12 ग्लास होगा, सन ग्लास होगा, बट इसमें से वो जो है टॉप पे है, और ये लगाने के बाद कुछ लुक ही अलग हो जाता है ना।